विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मित्र, ये हमारा उद्यान है, आओ मित्र, यहाँ आओ मित्र। ये देखो मित्र, ये हमारा स्नान कुंड है, ये मेरी माँ का रसोई गृह है, जहाँ वो स्वादिष्ट पकवान पकाकर मुझे खिलाती हैं। चले मित्र। मित्र, ये वो स्थान है जहाँ मुझे मेरे जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त हुई थी। सब देख तो लिया, मात्र उस एक स्थान को छोड़कर जो मुझे कुछ अधिक ही बार रहा। और अब तुम्हारी दृष्टि जहाँ स्थिर है, वो प्रभु महादेव का आसन है। ये पिताश्री का ध्यान स्थल है। विराजमान होकर जगत पिता महादेव ध्यान करते हैं। इस स्थान की महिमा तो अपार है, क्योंकि यही संपूर्ण सृष्टि की समस्त शक्ति का केंद्र है। यदि मैंने ये स्थान ग्रहण कर लिया तो मैं ही सृष्टि के समस्त शक्ति का केंद्र बनकर उस शक्ति पर अपना अधिकार स्थापित कर लूंगा, सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा। ये भंड कुमार महादेव के ध्यान स्थल की ओर क्यों बढ़ा जा रहा है, क्या प्रयोजन है इसका? मुझे तो पूर्व में ही आभास हो रहा था, अवश्य ही इसके मन में कुछ ऐसा ही अनुचित प्रयोजन है जिसे सिद्ध करने हेतु ये कैलाश में प्रवेश करने के लिए लालायित है। जो भी करना चाहता है वो सर्वथा अनुचित है। यही वो स्थान है जहाँ से जगत पिता महादेव समस्त संसार के क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। अर्थात यदि मैं यहाँ स्थित हुआ तो समस्त संसार पर मेरा ही नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। नियति निर्धारित है, इसलिए गणेश जी की चेतावनी सुनकर भी इतना भयंकर दुस्साहस कर रहा है ये। इस पावन स्थल पर एकमात्र त्रिलोक के स्वामी जगत पिता महादेव का ही अधिकार है, उनके अतिरिक्त यहाँ अन्य कोई भी स्थित नहीं हो सकता। अब मुझे यहाँ स्थित होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या, भंड कुमार तो पिताश्री के ध्यान स्थल की ओर ही बढ़ा जा रहा है। बस एक बार यहाँ स्थित हो जाऊं तो अपने प्रयोजन में सफल हो जाऊंगा। ये कैसी अकल्पनीय उद्दंडता कर रहा है। कैसे दुस्साहस कर रहे थे तुम,
मैंने स्पष्ट कहा था ना, वो प्रभु महादेव का ध्यान स्थल है, जहाँ से वो संपूर्ण सृष्टि के हित को निर्धारित करते हैं, जहाँ अन्य किसी को स्थित होने का कोई अधिकार नहीं। ये तुमने सुना नहीं क्या? सुना था, अवश्य सुना था मित्र, किंतु इस विशेष स्थान का सम्मोहन मुझे यहाँ खींच लाया, और अब यहाँ पहुँच गया हूँ तो मुझे अब मत रोकिए, मात्र एक पल के लिए मुझे अस्तित्व होने दीजिए। इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। नहीं, तुमने वचन दिया था कि कैलाश में कोई त्रुटि नहीं करोगे तुम, और अब इतना बड़ा अपराध करने का हट कर रहे हो तुम। अपराध? कैसा अपराध मित्र? प्रमाण की शक्ति का केंद्र है ये, तो क्या उस शक्ति के सागर में से एक बूंदे भी मेरा अधिकार नहीं? बस मैं उतना ही तो पाना चाहता हूँ, मैं मात्र एक पल के लिए मुझे अस्तित्व होने दीजिए। बस किसी प्रकार एक बार पहुंच जाऊं वहां। बस बहुत हुआ तुम्हारा ये अनुचित हठभंड कुमार। ये तो क्रोधित हो गए, कहीं अपनी शक्ति से मुझे आहत न कर दे। तुम्हारा सृजन कर बहुत बड़ी भूल हुई मुझसे। यदि इसके महापापी में परिवर्तित होने के पूर्व ही इसकी दुष्टता का अंत होना नियत है, तो यही उचित। कुमार का श्रीजन कर जो भूल गणेश से हुई है, कदाचित उसे सुधारने का एकमात्र उपाय यही है कि वो उस दुष्ट की दुष्टता का ही अंत कर दे। इसके पूर्व ही पुनः अपने कपट जाल का प्रयोग कर अपनी रक्षा करने में सफल हो, गणेश जी को उसकी उद्दंडता का उचित दंड देना चाहिए। कैसे करूं? अब अपनी रक्षा कैसे करूं? सर्वप्रथम अपने पापों को स्वीकार कर उसका प्रायश्चित करो, ये प्रायश्चित का प्रथम चरण है। सूझ गई, इसकी युक्ति सूझ गई मुझे। क्षमा मित्र, क्षमा। मुझ पर दया कीजिए मित्र, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगने से डर नहीं, क्षमा दान प्राप्त होता है, ये आपके ही वचन थे ना? तब उन वचनों का मान रखिए, और वैसे भी कोई अपराध हुआ का मुझसे? मैं महादेव के स्थान तक तो पहुंचा ही नहीं, तो इतना तो चलता है। हाँ उचित है, क्षमा तो आपको करना ही था इस तुझ जैसी भूल के लिए, अर्थात मात्र महादेव के स्थान पर स्थित होने का प्रयास करने के लिए। मृत्यु दंड जैसा भयंकर दंड अधिक हो जाता ना, इतना तो चलता। उपथ पर चलना ही जिसकी नियति है, उसे इतना साधारण दंड कहां सुधार सकता है। महानायक इस अवस्था में, तो क्या गणेश जी ने उन्हें कैलाश से बाहर उछाल दिया? अर्थात वे जिस प्रयोजन से कैलाश के भीतर गए थे उसमें असफल हो गए। ये समय उनकी अवस्था पर विचार करने का नहीं, उनकी सहायता करने का है। चलो जल्दी चलो। जब कोई
समझाने पर भी ना समझ सके, उचित सीख देने पर भी भूल और अपराध करने पर ही आतुर हो, तो उसे उचित अनुचित का बोध कराने के लिए दंड देना अनिवार्य हो जाता है। और मुझे आशा है कि मेरे इस दंड से तुम समझ गए होगे कि तुम कितनी बड़ी भूल करने जा रहे थे। अभी तो यही उचित होगा कि मैं इनकी बात स्वीकार कर इनका क्रोध शांत करूं। चलता है। मित्र, दंड तो दे दिया आपने मित्र, उचित है, किंतु अब मेरी सहायता कीजिए, अपने इस मित्र पर दया कीजिए मित्र, दया कीजिए। मित्र, मुझे तो ऐसा मित्र चाहिए था जो किसी भी परिस्थिति में मेरा साथ ना छोड़े, मेरे हृदय की प्रत्येक बात को सुने, समझे, मुझे एकाकीपन का आभास भी ना होने दे, मेरी भावनाओं का आदर करे, कभी मेरा विश्वास ना भंग करे। इसलिए मित्र रूप में तुम्हारा सृजन किया था मैंने, किंतु मुझे कहाँ ज्ञात था कि मैं जिसकी रचना कर रहा हूँ वो मेरी मित्रता के सर्वथा अयोग्य, मात्र एक महादुष्ट, महापापी है। हाँ, ऐसा महापापी जिसे अच्छाई बुराई उचित अनुचित की सीख दी मैंने, किंतु फिर भी वो अपने छल कपट और अपनी बुराई पर ही स्थिर रहा। तुम्हारा सृजन कर बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे। नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। मित्र, मैं अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, अच्छाई और बुराई में भेद नहीं कर पाता, अच्छाई मुझसे छूट जाती है, बुराई मुझ पर हावी हो जाती है, मैं विवश हूँ मित्र, विवश हूँ। मुझसे हुई है मित्र, आप एक ही उपाय शेष है, आप मुझे मिटा दीजिए, आप मुझे मिटा दीजिए, आप मुझे मिटा दीजिए। किंतु फिर आप अपने मित्र के साथ से वंचित हो जाएंगे, ये तो और भी दुखद है। तो एक कार्य कीजिए, ऐसा कोई अच्छा उपाय बताइए, अर्थात ऐसी शक्ति दे दीजिए मुझे जिससे मैं अपने भीतर के विष पर विजय पा सकूं, स्वयं को सुधार सकूं। तुम्हें वास्तव में अपने किए पर ग्लानि है? हाँ हाँ मित्र, ग्लानि तो है, विश्वास कीजिए, मैं कपटी कुटिल नहीं रहना चाहता हूँ, मुक्त होना चाहता हूँ अपनी दुष्टता से। तो उसका एक ही उपाय है, तप, तप। तप, तप, अर्थात तपस्या, जिससे प्राप्त तपोबल की पवित्र अग्नि तुम्हारी दुष्टता का नाश कर तुम्हारे भीतर अच्छाई को जागृत करेगी। किंतु तुम्हारी तपस्या तभी सार्थक होगी जब तुम वास्तव में अच्छाई के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित होगे। हूँ ना, प्रेरित हूँ मैं, अच्छाई अपनाने के लिए तप भी अनिवार्य है, तो मैं वो भी करूँगा, बस आप मेरे मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए, बताइए मुझे मैं तप कैसे करूँ? तप करेंगे? हमारे महानायक और तप? मुझे तो यही ज्ञात था कि छल ही इनकी शक्ति है, तप। अवश्य इसके पीछे भी भंड कुमार का ही कोई छल। दुष्ट भंडासुर इतनी सरलता से अपनी आसुरी प्रवृत्ति का त्याग कदापि नहीं करेगा। तप से उसके स्वभाव में भले ही कोई सुधार ना आए, किंतु देवी कृपा से अत्यधिक शक्ति अवश्य ही प्राप्त कर लेगा। मुझ पर इतनी कृपा तो कीजिए मित्र, ये तो बताइए मुझे मैं किसकी तपस्या करूं? बताइए ना मित्र। उन्हीं जगत पिता महादेव की, जिनके स्थान पर स्थित होने की उद्दंडता करने का महा अपराध करने जा रहे थे तुम। प्रभु शिव शंकर की भक्ति ही तुम्हारे भीतर के अंधकार का नाश कर तुम्हारे हृदय में एक निर्मल ज्योति प्रज्वलित करेगी, तुम्हारे विकारों का नाश कर सुधार देगी तुम्हें। उचित है मित्र, तो बताइए मैं कहाँ अपना तप आरम्भ करूँ?
मित्र, ये किस स्थान पर ले आए आप मुझे? ना भी वृक्षों की छाया है, ना कोमल धूप, और इतनी ऊंचाई पर शीत का भीषण प्रकोप है। भंड कुमार, स्मरण करो क्या कहा था मैंने, तप के लिए सुविधा से अधिक एकांत अनिवार्य है। हाँ हाँ, पुनः भूल हुई है मुझसे, सह लूंगा मैं इस असुविधा को भी, सह लूंगा, किंतु किस मुद्रा में करूं अपनी तपस्या? हाँ, ऐसे भूमि पर स्थित होकर, खड़े होकर, अथवा इस प्रकार एक पांव पर खड़े होकर, मैं हाथों के बल भी खड़ा हो सकता हूँ। अथवा फिर ऐसे, ये उचित है, बस आप मुझे मंत्र का ज्ञान दे दीजिए। ओह नहीं नहीं, ये तो बहुत कठिन है, इस मुद्रा में तो मैं कुछ ही पल टिक पाऊंगा, किंतु प्रयास करता हूँ, मुझे कितने समय तक तपस्या करनी होगी? तुम्हारी तपस्या कब सफल होगी ये तो तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति पर निर्भर करता है, किंतु इसकी न्यूनतम अवधि है 12 वर्ष। ये तो बहुत कठिन है। हाँ भंड कुमार, कठिनाई का सामना किए बिना सफलता प्राप्त नहीं होती, पूजा साधना तो उस श्रमिक के श्रम से भी अधिक कठिन होती है जो प्रतिदिन दिवस भर भार उठाने का कार्य करता है। मंदिर में जो पुजारी प्रतिदिन पूजा करते हैं, उनकी उस पूजा में भी अपार आत्मबल और शक्ति की आवश्यकता होती है, शारीरिक शक्ति, जिससे पूजा करते समय वो उचित मुद्रा धारण करने हेतु अपनी रीढ़ को सीधा रख सके, धैर्य शक्ति, जिससे धीरज धरकर वो एक स्थान पर स्थिर रह सके, श्रद्धा शक्ति, जिससे वो प्रभु के प्रति पूर्ण निष्ठा से पूजा करने में सक्षम हो, और आत्मशक्ति, जिससे वो पूजा के फल को ग्रहण कर सके। इसलिए तपस्या का पथ सरल कदापि नहीं। जब भस्म रूप में था तब भी कभी स्थित नहीं रह पाया, तब तो बड़ा दुर्भाग्य है मेरा, चाहकर भी कैसे सुधारूं स्वयं को, कैसे करूं प्राश्चित। 12 वर्ष तक रीढ़ को सीधे रखकर सिर रहने की शक्ति कहाँ है मुझ में? मुझे क्षमा कीजिए मित्र, मैंने आपको फिर से निराश किया, और सहायता लूं तो किससे लूं? आपने शरीर दिया, प्राण दिए, जीवन के उचित सीख दी, और मैंने आपका ही विश्वास भंग कर दिया, अब मैं किस मुख से आपसे सहायता मांगू, क्या करूं मैं? अपनी भूल का आभास हो रहा है इसे। आप ही है जो मुझे शक्ति देकर मेरे इस विघ्न को दूर कर सकते थे, और अब आप भी ऐसा क्यों करेंगे? तो कदाचित सुधरना मेरे भाग्य में ही नहीं। भंड कुमार, क्या वास्तव में तुम अपनी भूल स्वीकार कर अपने भीतर परिवर्तन लाकर अपने दोषपूर्ण आचरण से मुक्त होना चाहते हो? हाँ मित्र, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सदा आपकी सीखों पर चलकर उचित मार्ग का चुनाव करना चाहता हूँ, आपके मित्र होने के योग्य बनना चाहता हूँ। हमारे महानायक भंड कुमार अवश्य अपने किसी छल से पुनः इनका विश्वास प्राप्त करने में सफल होंगे। नहीं, गणेश जी को इसका विश्वास कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि छल तो इसकी आसुरी प्रवृत्ति का अभिन्न भाग है। उचित है, यदि तुम कुपथ का त्याग कर सुपथ पर चलना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसका एक अवसर अवश्य दूंगा। संपन्न करने के लिए जिन शक्तियों की तुम्हें आवश्यकता है, मैं वो शक्तियाँ तुम्हें प्रदान करूँगा।
पार्वती नंदन गणेश को ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि भंड कुमार को समर्थ बनाना तो संसार में अच्छाई के अंत का आरंभ होगा। भंड कुमार एक भयंकर असुर भंडासुर में परिवर्तित होगा। को दी गई विद्या और शक्ति वर्षा में तूफान का कार्य करती है, इसलिए प्रत्येक गुरु को योग्य शिष्य की परख होनी ही चाहिए। असीम अपराजेय शक्ति की प्राप्ति ही है मेरा एकमात्र उद्देश्य। अब उसके लिए कठोर तपस्या भी करनी होगी, तो वो भी करूँगा मैं। पुत्र गणेश, तुमने भंड कुमार नहीं दुष्टता के ऐसे पर्याय का सृजन किया है जो अपार शक्ति अर्जित कर समस्त कई ब्रह्मांडों पर एक छत्र सत्ता स्थापित करेगा।